अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खरीद से हैं, उम्मीद है सब खरीद से होंगे। आज 7 मई 2022 बरोज़ हफ्ता, आज मैं एक महफिल से, मुझे बुलावा आया था कि आपने महफिल पे आना है और हुजूर की मदहसराई करनी है, तो मैंने लबैक कहा। कल आई थी कॉल, तो आज मैं महफिल पे जा रहा हूँ, तो सबके लिए दुआएं बहुत सारी। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उम्र में सेहत में बरकतें वसतें अता फरमाए। तो इंशाल्लाह आज ये महफिल का व्लॉग है, पहुँचेंगे महफिल पे और फिर महफिल नात की जो वीडियो होती है वो भी बनाऊंगा, वो भी अपलोड करूंगा, वो भी आप सब देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। वैसे हुजूर की नात तो किसको पसंद नहीं है, वो परले दर्जे के लोग ही हैं जो नहीं पसंद करते, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। ये जनाब हम अपने भाई वसीम अकरम के साथ महफिल की तरफ रवाना है और रास्ते में ये बाइक पे जा रही है। देखिए बहुत खूबसूरत सी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड सारा व्यू आपको करवा रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, शायद कोई का मुकाम है ये, क्या खूबसूरत तरीन जगह। यहाँ से हम महफिल की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए नाज़रीन ये बाइक ड्राइव कर रहे हैं हमारे भाई और हम अपने मंजिल की तरफ रवा दवाएँ। बस फिर हम महफिल में पहुँचे और बंदा है नाचीज़ की नात हुई। उसके बाद दीगर नात खानों ने अपनी हाजिरी पेश की, फिर इलामा तबस्सुम महमूद साहिब का बहुत खूबसूरत बयान हुआ, बहुत खूबसूरत खताब हुआ जो हम सब ने बैठ के इस्मात किया और लुत्फानंदोज़ हुए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बयान किया उन्होंने और आवाम काफ़ी हद तक आ चुकी थी। हमारे वसीम भाई भी थे, अबू ज़र खालिद साहिब और दीगर उलमाए कराम और नातखान हज़रात बहुत कसीद दाद में तशरीदारी करते जिन्होंने बयान सुना। उसके बाद बहुत खूबसूरत दुरूद सलाम पेश किया गया जनाब मियां बाबर दीवान साहिब की तरफ से, उन्होंने पेश किया और जफर आलम साहिब ने भी, सब ने खड़े होके हुजूर पाक की बारगाह में, बुलंद बाला बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। फिर मियां बाबर साहब ने दुआ फरमाई, तमामी हजरात इस दुआ में शामिल हुए और हर किसी के लिए दुआ मांगी गई। महफिल के अख्तिताम पे सब ने दुआएं मांगी, हजात अपनी पेश की, फिर हाजिरी भी ले आए, दुआ हुई और दुआ कंप्लीट होने के बाद फिर लंगर तकसीम किया गया जो बंदा है नाचीज़ और तमाम उलमाए किराम वगैरह के साथ हम नावल किया। लंगर तलावल करने के बाद हम फिर जो घर के अफराद हैं उनसे मुलाकात की और रुख्सती की इजाज़त दी। ये हमारे अरशद भाई जिनकी दावत पे मैं हाज़िर हुआ था, माशाल्लाह बहुत रफीक, बहुत अच्छे दोस्त। लो जी फिर हमने महफिल वालों से इजाज़त ली और अब वापसी पे अपने वसीम भाई के साथ अपने घर की तरफ रवाना है। ये हम बाइक पे बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं। देखा अपने आज का व्लॉग, नात का व्लॉग, महफिल का व्लॉग, जो कि मैं सुबह 9 बजे गया था और अभी राउंड अबाउट 5 हो चुके हैं, तो मैं अब वापसी पर अपने घर जा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी नातखानी की महफिल हुई, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा खिताब हुआ सुना, उसके बाद दुआ हुई, लंगर, उसके बाद सब से मुलाकात हुई और फिर अपने एक दोस्त हैं वसीम अकरम उनके हमरा वापसी और अब घर की तरफ जा रहा हूँ। तो व्लॉग हमारा इतना ही था, इंशाल्लाह मेरे नए नए कलाम आ रहे हैं आगे, आप सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह बहुत सारे कलाम मेरे आ रहे हैं तो अपलोड करूँगा। आपने देखना है, सुनना है, लाइक कमेंट शेयर की सूरत में मेरा साथ देना है। तो आज का व्लॉग इतना ही था, किसी और व्लॉग में मिलेंगे और किसी और नात की वीडियो के साथ। बहुत सारे मेरे न्यू कलाम आ रहे हैं, जो भाई साउंड के साथ पसंद करते हैं उनको साउंड के साथ, और जो बिना साउंड के म्यूज़िक के सुनना पसंद करते हैं नशीद, इंशाल्लाह उनके लिए भी नए कलाम में पेश करूँगा। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, बात होगी,
किसी नए व्लॉग और नात के साथ। आज तक के लिए इतना ही था, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्बास अली को, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इस महफिल की वीडियो ना जल्दी अपने इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी, तो तमाम हज़रात ज़रूर देखिएगा।